प्रथम लागू दो चरण को धनिए न छोड़ायो खिन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन इन पाम तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। खुले अंग सिंगार छवि छाती प्रकरण 11 सिंगार ग्रंथ। रूह मेरी क्यों ना आवे तुहे लज्जत तो को हके कही अर्स की अर्स किया तेरे दिल को तुहे ऐसी बड़ाई हके दई। सुंदर साज जी धामधनी अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी के दिल में विराजमान होकर हफ्से में उन्हें दर्शन दिया। उनके दिल में थे तो विराजमान पहले से ही, लेकिन सारे पर्दे हटाने के बाद उनको दीदार दिया और अब वो बातें उनको बताई जो इस ब्रह्मांड में आज तक किसी ने नहीं जाना था। बसरी स्वरूप मोहम्मद साहब को भी 90,000 हर्फ सुनाए तो थे, लेकिन उन 90,000 हर्फ के अंदर उन्होंने अपना दिल नहीं दिखाया था, दिल की बातें नहीं बताई थी जो अब श्री इंद्रावती जी को बताई। और श्री इंद्रावती जी अब उसे देखते हुए सभी अपने वाहिदत के तनों को बता रही हैं। जो तुहे कहे हक हुकम सो तू देख महामत और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहेदत। इंद्रावती जी सारा रस स्वयं नहीं पी सकती, उनको आदेश है कि मैं अपने हुक्म से जो कुछ तुम्हें आज बता रहा हूं वो उसको तू देख अपने अंतर दृष्टि से और देखने के बाद उसको अपनी उन सभी रूहों को बताओ जो परम धाम में तेरे तन वाहेदत हैं। तो आज धनी की कृपा से हम राज्य का छाती हेड़ा की मार्फत भी देखेंगे और हकीकत भी देखेंगे। रूह मेरी क्यों ना आवे तुहे लज्जत तो को हके कही अर्स की। राज्य ने किसी जीव सृष्टि को नहीं कहा कि तू अर्स की है, ना ईश्वरी सृष्टि को कहा कि तू अर्स की है। अपनी प्यारी अंगनाओं की जो उनके ही अंग हैं उनको कहा, रूहों तुम मेरे तन हो, तुमसो इश्क जो मेरे दिल एक्यों कर पाओ बका मिने जो सहूर करो सब मिल। तो तुझे बता दिया कि तू अर्श की है और तब भी तेरे दिल में परम धाम की लज्जत नहीं आ रही। परम धाम में बहता हुआ इश्क का रस तुझे नहीं मिल रहा है। यह गलतफहमी कोई सुंदर साथ न पाल ले कि इंद्रावती जी को रस नहीं मिल रहा है। इंद्रावती जी को तो सब कुछ मिल गया, उनको नाम दावा हुज्जत भेख और नजर सब कुछ देकर उन्हें अक्षरातीत बना दिया, अक्षरातीत की शोभा दे दी। तो ये उनके लिए नहीं है, लेकिन वो अपने ऊपर लेते हुए सभी सुंदर साथ को सावचेत कर रही है। रू मेरी क्यों ना आवे तुहे लज्जत तो को हके कही अर्स की
अर्श किया तेरे दिल को, तुहे ऐसी बड़ाई हके दी, तुम्हारे दिल को अपना अर्श बना दिया। अर्श माने होता है सिंहासन, यानी कि जहां बैठकी होती है। तो राज्य की बैठकी इंद्रावती के दिल हो गया, और उनकी बैठकी होते ही उनका दिल धाम हो गया, परम धाम हो गया, अर्श हो गया। जो कदी तैं आई नहीं, अब राजी इंद्रावती के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जो कदी तैं आई नहीं, तुम्हें हक्का है हुक्म। अगर तुमको ऐसा लगता है कि तू परम धाम में अपने तन से नहीं आई, तो मान लिया तू अपने तन से नहीं आई, तेरा अक्स आया है। और कौन लेके आया है? मेरे दिल की इच्छा लेकर आई है, यानी हुक्म लेकर आया है, और तुम्हारे अंदर मेरा ही हुक्म लीला कर रहा है। हुज्जत दई तो को अर्श की, हुज्जत माने अधिकार, तुम्हें परम धाम के सारे अधिकार मिल गए। सुंदर साथ आप भी देख लो, अगर आपने अपनी नजर राजी के नैनों में डाल रखी है, उनके चरण कमल पकड़ रखे हैं, तो आपको परम धाम का सब अधिकार स्वतः ही मिल जाता है। एक बार ऐसा करके तो देखो। जो कदी आसिक खोले नैन को, पहले हाथों पकड़े दो पाए, ए नैन अंग नूर जमाल के, सो आसिक से क्यों जाए। अगर इंद्रावती और सभी आत्माएं अपने अंतर की दृष्टि खोल लें, जो कदी खोले नैन को, पहले हाथों पकड़े दो पाए, सबसे पहले राज्य के दोनों चरण कमल, हमारे सदगुरु सरकार श्री बताया करते थे कि चितवन में एक ये भाव भी होता है कि राज्य के एक चरण कमल, जैसा सेवा पूजा में बताया है, दाहिना चरण कमल सिंहासन पर है और बायां चरण कमल नूर की चौकी पर है। तो प्रारंभिक स्थिति में वो सुंदर साथ को बताते थे कि बाएं चरण कमल के नीचे अपना हथेली रख दो, तो स्वतः ही राजी अपना दायां चरण कमल तुम्हारे दूसरे हथेली पे रख देंगे, और दोनों चरण कमल हथेली पे आते ही वो आपको भार महसूस होने लगेगा राज्य का, और वो सारा कुछ हमारे दिल में उनका पूर्ण स्वरूप आने लगेगा। करके देख लो। तो कहते हैं, हुज्जत दई तो को अर्श की, तुम्हें परम धाम का अधिकार मिला। अधिकार सबसे पहले कैसे मिलता है? राज्य के चरण कमल अगर हमारे दिल में आ जाते हैं, लश्कर सारा दिल का, सो दिल भरी सब चाहे, अपना दिल दे उनका लीजिए, इनविद चरणों पहुंचाए। पहले अपना दिल दे दो, उनका मिल जाएगा, और फिर उनके चरण कमल मिल जाएंगे, तो उनका पूर्ण स्वरूप मिल जाएगा। अब बहुत गहराई वाली चौपाई है, अब आप लोग अपनी सुरता मूल मिलावे में परम धाम में ले लीजिए। बाहर की नैन मुद सकते हैं और अंतर की नैन खुल जाए। मूल मिलावे में श्री कंचन रंग के सिंहासन, अतिलाल सौंदर्य से परिपूर्ण,
नूरी आभा से दे दिव्यमान, जुगल स्वरूप विराजमान है। पहले मैं अपनी नजर राज्य के चरणों में ले जाती हूँ, दोनों चरण कमल मेरे हस्त कमल से मेरे हृदय में आ जाते हैं और कहते हैं, बिन जामे देखो अंग को, आसिक सब सुख चाहे, बागा पहने हमेशा देखिए, कछु ए छवि और देखाए। हम जब परमधाम में लीला करते हैं, ध्यान देना सुंदर साथ, परिक्रमा ग्रंथ या बीतक या परमधाम की बड़ी वृत्त, मैं ऐसी चौपाई कहीं नहीं है जिसमें हमें ये बताया हो कि परम धाम में मेरा मूलतन या हमारे मूलतन ने कभी उनको बिना बागे के देखा हो। और आत्मा को अपने इल्म से वो सुख मिल दे रहे हैं, बिन जामे देखो अंग को, आसिक सब सुख चाहे, बागा पहने हमेशा देखिए, कछु ए छवि और देखा है। परम धाम में आठों प्रहर की लीला में हमने अपने धाम धनी को श्वेत रंग जलाओ को जामा में देखा, कभी पीत रंग का, कभी केसरिया का, कभी हरे रंग का इजार देखा, लेकिन हमने कभी बिना जामे नहीं देखा और वो यहां पे दिखा रहे हैं। बिन जामे देखो अंग को, राजी के तन के एक एक नक्शे शिक तक कह रहे हैं कि बिन जामे देखो अंग को। अंग राजी का एक एक अंग राजी का दिल है, दिल राजी का दिल है, एक एक अंग, अंगुरिया भी उनका दिल है, नाखून भी उनका दिल है, बाजू भी उनका दिल है, खभे भी उनका दिल है, कंधे, गर्दन, छाती, कटी यानी कमर, पेट, पासली, जांघें, घुटने, पिंडली, टखने, एड़ी, घूंटी, तली, हर चीज राजी के दिल का अंग है। आपने कभी राजी के अंगों को ऐसे देखा कि वो दिल है राजी का? पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सोए, तुम्हें देखें कहें बातें सुने, लेवे तुम्हारी बानी की खुशबोए। देखो राजी को, उनका हर अंग परमधाम है, परमधाम का हर सुख उनके हर अंगों से मिलता है। देखो उनके मुखारविंद को, क्या उनके गाल हैं, क्या उनकी नासिका है, क्या उनके श्रवण अंग हैं, क्या उनके नयन कमल हैं, हरवटी हैं, अधर हैं, दंत हैं, सब में आपको परमधाम की छवि दिखेगी। राज्य का दिल ही राज्य का मारिफत स्वरूप है। परमधाम में वो हकीकत रूप में लीला करता हुआ, अपने इश्क को लहराता हुआ सभी को पिलाता है। लेकिन आज इस प्रकरण में राज्य ने ये विचार किया कि इनको मैं बिन जामे अपने अंगों को दिखा दूं। हमेशा परम धाम में इन्होंने बागा पहने हमेशा देखिए,
लेकिन अब कह रहे हैं बिन जामे देखो अंग को। अब आशिक जो है, आशिक मूलता तो राजी है। श्री महामत कहे ए मोमिनो इश्क लीजिए हक, असल अर्स के बीच में हक का नाम आशिक। राजी आशिक हैं और सभी रूहें माशूक हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में आने के बाद आत्माओं को शोभा मिली आशिक होने का और राजी उनके माशूक हो गए। अब आशिक सब सुख चाहे, आशिक को जामे के साथ भी सुख चाहिए और बिन जामे का भी सुख चाहिए। आशिक अपने शौक को बिद बिद सुख चहे, बिद बिद रूप स्वरूप के नई नई लज्जत लहे। आशिक को हर तरीके का सुख चाहिए, रूप का भी चाहिए और स्वरूप का भी चाहिए। रूप यानी आकार, तन। तो एक तन है बागे के साथ, एक और बिन बागे उनका हर अंग है, और स्वरूप उनका दिल है। तो हमको बागे के साथ भी तन की शोभा लेनी है, बिना बागे के भी लेनी है, और उनके दिल को भी छूना है और उस दिल में हमें प्रवेश करना है। ऐसे हैं आशिक। अब इसके अंदर आपको एक चीज बता दूं, इस सारी शोभा सिंगार ग्रंथ में और सागर ग्रंथ में, देखो सागर ग्रंथ में वस्त्र और आभूषणों का बहुत ही विस्तृत वर्णन है, लेकिन अंगों की शोभा सिंगार ग्रंथ में है। वस्त्र आभूषण की भी है, लेकिन अंगों की शोभा सिंगार ग्रंथ में है और वस्त्र और आभूषण की शोभा सागर ग्रंथ में है। तो सागर के बाद जब हम सिंगार में चलते हैं तो जितना जामा है, जैसे कहते हैं ये ऊपर वाला हिस्सा चोली या चीन, तो वो वक्ष स्थल से चिपकी रहती है और कमर से घेरदार दामन रहता है। लेकिन राजी ही वाणी में फरमाते हैं कि वस्त्र और आभूषण सब उनके अंगों की शोभा है। यहां आप लोग जैसे देखते हो ना, कई लोग टैटू बनवा के चलते हैं, तो उसी प्रकार से ये सारे वस्त्र और आभूषण उनके अंगों की शोभा है। तो जब आप उसके साथ उनको देखते हो तो ऐसे महसूस होता है कि हम बागा पहने हमेशा देखिए, बिन जामे देखो अंग को। आशिक इन मासूक तो हकीकत है जामा के साथ और मार्फत है बिन जामे। समझ गए ना, स्वरूप है बिन जामे क्योंकि वो दिल का अंग है और हकीकत है जामे के साथ, वस्त्र और आभूषण के साथ। तभी एक प्रकरण में चौपाई में कह दिया, सिंगार किया सब दुल्हे वस्त्र या भूखन, बखत अब बखत हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन। अब अपनी आत्मा की दृष्टि से देखो और विचारो कि बिन जामे कैसा सुख और जामे के साथ कैसा सुख। खाना पीना खिन खिन लिया प्यार अर्स रूहन, पल पल मासूक देखना यही आहार आसिकन। आशिकों का आहार क्या है? दीदार। हम यहां पे इस तन को भोजन देते हैं, आहार देते हैं, उससे हमारा जीव
प्रसन्न हो जाता है कि आज तो भोजन प्राप्त करके आनंद आ गया। अब आत्मा को तो ये भोजन मिलता नहीं, तो आत्मा को भी आनंद आना चाहिए कि नहीं? तो आनंद पाने के लिए उसको भी उसका आहार चाहिए, और उसका आहार है खाना पीना खिन खिन लिया, प्यार अर्स रूहन, पल पल मासूक देखना, यही आहार आसिकन। हम लोग देखो सुंदर साथ, बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि आगे कुछ चौपाइयां हैं जो बहुत गहरी हैं, वो आज की चर्चा में मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। लेकिन ये जरा देखो, सुबह हम नाश्ता करते हैं, तन को भोजन दिया, दिन में लंच करते हैं, तन को भोजन दिया, शाम को चाय पीते हैं, तन को भोजन दिया, रात्रि में भोजन करते हैं, तन को भोजन दिया, रात जब निद्रा होने वाली होती है तो दूध पी लेते हैं, तो तन को भोजन दिया। ऐसे ही अब आप बताओ आत्मा को कई बार भोजन देते हैं, चार चार पांच पांच बार तो तन को भोजन देके जीव को आनंदित करते हैं, लेकिन आत्मा को आनंदित करने के लिए हम क्या करते हैं और कितनी बार उसको उसका आहार देते हैं? क्योंकि आहार उन्होंने बोल दिया, पल पल मासूक देखना यही आहार आसिकन। कैसी आत्माएं हैं हम, कैसी ब्रह्म सृष्टियां हैं हम, कैसी हम धाम धनी की लाडली अंगनाएं हैं, जो उनको अपनी आत्मा को आहार तक नहीं देना चाहते, आत्मा को भूखा रखना चाहते। धनी देवचंद्र जी ने जब 14 साल भागवत सुनते थे तो एकादशी के दिन भोजन करते थे, द्वादशी के दिन भूखे रहते थे। तो यही सवाल पूछा गया था कि सारी दुनिया तो एकादश के दिन व्रत रखती है और द्वादश के दिन भोजन करती है, आप उल्टा क्यों करते हैं? तो उन्होंने बताया कि द्वादश के दिन चर्चा नहीं होती तो आत्मा को आहार नहीं मिलता, तो हम तन को भी आहार नहीं देते, और एकादशी के दिन आत्मा को आहार मिल जाता है तो तन को भी हम छकाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सच सच बताना, हमारे लिए भी बहुत कठिन है, हम सबके लिए कठिन है, फिर भी बोलना। अगर यहां की चर्चा समाप्त होने के बाद डिनर है 8 बजे 7 बजे 7:30 बजे, खाने के पहले आत्मा को आहार दे के खाओगे कि पहले ही खा लोगे? तो जरा देख लेना कि जो कुछ भी 10 मिनट 15 मिनट कहीं भी बैठकर जुगल स्वरूप को निहारने का प्रयास करना मूल मिलावे में। वस्त्र भूखन सब पूरन, सुख बिन जामे और जिनस, ये दूसरी चौपाई। पूरे 18,758 चौपाइयों में दो ही चौपाइयां राजी ने दी हैं जिसके अंदर उन्होंने बिन जामे अंगों का सुख देने की बात कही है। वस्त्र भूखन सब पूरन, वस्त्र भी आत्मा है, भूखन भी आत्मा है, सब राज्य का पूरन स्वरूप है। लेकिन कहते हैं वस्त्र भूखन सब पूरन, सुख बिन जामे और जिनस। सुंदर साथ, आपको हमने बताया था रंग परवाली मंदिर में जब हम अपने मंदिर में पधारते हैं तो राजी शैया पर विराजमान होते हैं
और हमने किस प्रकार से उनकी सेवा की है, रात 9 घंटे, रात्रि के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक उनको एक एक वस्त्र हमने अपने हाथों से पहनाया है। तो पहनाएंगे तो तब जब बिन जामे होंगे, एक जामे के ऊपर दूसरा जामा तो नहीं डालेंगे ना। ये सुंदर सात को मैं बता चुका हूं, मुझे नहीं मालूम कि किसने किसने उस रंग परवाली मंदिर का रस लिया है। हम बता चुके हैं कि सुबह 6 बजे से लेके रात्रि के 9 बजे तक सामूहिक लीला होती रहती है। भोजन की लीला है, तीजी भोम की लीला है, वनों की लीला है, नृत्य की लीला है, ये सारी लीलाएं हैं। लेकिन हम सब सखियां राज श्यामा जी के साथ रहते हैं, लेकिन रात्रि में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सब सखियां अकेले अकेले राज जी के साथ रहती हैं। जैसे रास में एक कृष्ण जी और 12,000 सखियां, और अंतर ध्यान होने के बाद जब प्रकट हुए तो 12,000 कृष्ण के तन और 12,000 सखियों के तन, एक सखी के साथ एक कृष्ण जी। उसी प्रकार से सुबह 6 बजे से लेके रात्रि के 9 बजे तक एक राज जी 12,000 सखियां, और जब रंग पर वाली मंदिर में आए तो एक राजी और एक सखी। हालांकि इसमें भी एक आंकड़ी है, अब सब कुछ अभी खोल देंगे तो आप क्या खोलेंगे, आपको भी तो कुछ खोलना होगा। तो कुछ बात है जो अभी मैं नहीं बताऊंगा, हाँ क्लास में बता दूंगा। तो वस्त्र भूखन सब पूरन सुख बिन जामे और चिनस। तो जब वो शैया पे बैठते हैं, आशा पूरो, मेरे साथ साथ बोलो, याद है आपको चौपाई, आशा पूरो सुख देओ नए नए कराऊं सिंगार, दो पूरी मस्ती ना बेहोशी सुख लेऊं सब अंग समार। समार माने समारना, यानी राज्य का सिंगार करना, और ये सिंगार हम कहां करते हैं, रंग परवाली मंदिर में, जब रात्रि के 9 बजे हम आत्माएं अपने मंदिर में पहुंचती हैं और राज्जी के को सब सुख सेवा के वास्ते देती हैं। मेरे ही मंदिर में पूरा परम धाम खड़ा हो जाता है, क्योंकि परमधाम का कोई कण ऐसा नहीं है जो राज्जी के बिन जामे अंगों को देखना न चाहे। पुखराज पहाड़ भी आ जाता है तो माणिक पहाड़ भी आ जाता है, 8 सागर 8 जिमी भी आ जाता है, कुंज निकुंज भी आ जाता है, जमुना जी भी आ जाती हैं, हौज कौसर 24 सांस का महल, नूर बाग फूल बाग अन्न बन धूप दलीचा सब कुछ हमारे मंदिर में खड़ा हो जाता है। और मेरा अपना मंदिर इतना विशाल हो जाता है कि उसके अंदर अनंत परम धाम की शोभा जाहिर होती है। क्यों? क्योंकि मैं राज्जी के साथ पुखराज में अकेले घूमना चाहती हूं, माणिक पहाड़ पे अकेले घूमना चाहती हूं। लेकिन इसके पीछे जो आंकड़ी है वो ये है कि जब मैं भोजन की लीला हो जाएगी, नृत्य की लीला हो जाएगी, नृत्य भी हम वहां करते हैं, मेरे ही अंदर से, आत्मा के अंदर से नौरंग बाई आ जाती हैं अपने 300 सखियों के साथ, और हम नृत्य करते हैं और राज्य के नैनों को बांध लेते हैं अपनी घुंघरियों के साथ। एक एक कभी मेरा दिल करता है एक घुंघरी बजे, कभी दो, कभी कई, कभी कई, कभी कई, और राज्जी की नजर मेरे चरणों के घुंघरी से इधर उधर होती नहीं।
ऐसा मेरा प्यार है। तो ये घुंघरियां भी तो राज्य को देख रही हैं, सारा परम धाम, वो अनंत परम धाम राज्य को देख रहा है। अब जब ये सारी लीला हो जाने के बाद मैंने राज्य से प्रार्थना की कि धनी, अब मैं आपका श्रृंगार करना चाहती हूं। धनी आधे अधर खुले हुए मुस्काते हैं और आज्ञा दे देते हैं। फिर मैंने उनको इजार भी पहनाया, जामा भी पहनाया, सारे आभूषण भी पहनाए। ये सारी सेवा मैं कर रही हूं उनको सुख देने के वास्ते और वस्तुतः सुख लेने के वास्ते। और इसकी सबकी साक्षी कौन है? वो अनंत परम धाम जो मेरे मंदिर के अंदर खड़ा हो गया है। अरे कभी तो देखो अपने आप को अपनी रंग पर वाली मंदिर में। यहां तो रात्रि के 9-10-11 बजे और चले गए अपने बेडरूम में सोने, भाई बड़ी नींद आ रही है। अरे अपने शयन कक्ष परम धाम के शयन कक्ष में तो जाओ जहां धाम धनी को देख सको। तो परम धाम का हर जर्रा जर्रा राजी को बिन जामे भी देख रहा है और जामे के साथ भी देख रहा है। पहले जामे के साथ, फिर बिन जामे के साथ, फिर जामे के साथ। ऐसी सुंदर रस हमें अपने रंग पर वाली मंदिर में मिलता है। तो वही कह रहे हैं, वस्त्र भूखन सब पूरन, सुख बिन जामे और जिनस। देख देख देखे जो आसिक, जो देखे सोई सरस। जब हमने चरणों के नख को देखा तो ऐसा लगा कि इन नख से नूरी शोभा तो किसी और की हो ही नहीं सकती। फिर अंगुरियों अंगूठों को देखा तो उसकी शोभा पे मैं बलिहारी चली गई। चरण तली को देखा, उसके पंजे को देखा, लांक को देखा, एड़ी को देखा, घूंटी को देखा तो दिल कुर्बान होने को चाहता है। गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए लांक तली एड़ी और लाख में लीके, लीकों में अनंत रेखाएं और रेखाओं में राज्य के दिल का अनंत रस। और उस रस की मैं मछली हूं और वो सागर है, और उसकी मैं मछली हूं और वो जल ही मेरा जीवन का, मेरे जीवन का आधार है। चरण कमल राज्य के मेरे जीवन के आधार है। आसिक इन चरण की, आसिक की रूह चरण, रूह माने दिल। मेरे अंदर से दिल निकल जाए तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। उसी प्रकार से आसिक की जो रूह है वो चरण है। आसिक की रूह चरण यानी कि वो चरण ही हमारी आत्मा के आधार है। ऐसे हर अंगों को देखा, देख देख देखे जो आसिक, जो देखे सोई सरस। कटि कोमल अति पतली सुंदर छाती गौर, देख देख सुख पाइए जो होवे अर्स सहूर। अर्स सहूर माने जागृत बुद्धि। जागृत बुद्धि दे इनो को, किसको? ब्रह्म श्रेष्ठियों को। जागृत बुद्धि दे इनो को जिनसे देखी लहरें बका हक। राज्य के दिल से उतरने वाली अनंत सागरों के अनंत रस की नूरमयी लहर जब मेरे नैनों से आती हुई मेरे अंदर पहुंचती है तो उस रस में मैं झील रही होती, उसका रसा स्वादन कर रही। तो कहते हैं, कटि कोमल अति पतली सुंदर छाती गौर, देख देख सुख पाइए जो होवे अर्स सहूर। अब जागृत बुद्धि से ही
आपको हमको राज्जी का दीदार हो सकता है। और जागृत बुद्धि हमारे दाएं हाथ पे मान लो खड़ा रहता है और जबराइल जोश का फरिश्ता बाएं हाथ पे। और राज्जी का हुक्म है कि ये दोनों फरिश्ते जो सबसे बड़े फरिश्ते हैं, एक उनके जोश का फरिश्ता, एक उनकी जागृत बुद्धि का फरिश्ता, और दोनों को हुक्म दिया है निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। असराफील जबराइल भेज दिए आमर, आमर माने हुक्म, असराफील जबराइल भेज दिए आमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। आपने कभी अपने अगल बगल जबराइल और असराफील की उपस्थिति महसूस की है? अगर महसूस की है तो आप ब्रह्म सृष्टि हो, और अगर महसूस नहीं की है तो मैं अपनी जुबान से कुछ न कहूंगा। वो जबराइल यहां आपको जगाता रहता है, असराफील आपको जागृत बुद्धि देता रहता है, जिससे शराब तहूरा हम पी सकते हैं। जागृत बुद्धि दे इनों को जिनसे देखी लहरें बका, शराब तहूरा उतरी इनों पर, पिलाया हादी हक इश्क। श्यामा जी ने रब का इश्क हम रूहों को पिलाया जो पवित्रतम है। तहूरा माने पवित्र, शराब माने उनके दिल का रस। जो अरवा होए अर्श की सो कीजो इलम सहूर। अब अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आपको जबराइल और असराफील की उपस्थिति आपके दोनों ओर, आपके चारों ओर वो नजर आए तो जानो कि आप ब्रह्म सृष्टि हो। जो अरवा होए अर्श की सो कीजो इलम सहूर, तो इल्म से, इल्म का सहूर करो, जागृत बुद्धि से उस इल्म के अंदर प्रवेश करो। और जित आया हक इल्म, अर्श दिल कहया सोए, हक न आवे इश्क बिना और हक बिना इश्क न होए। अजीब सी आंकड़ी है, हक न आवे इश्क बिना, अगर इश्क नहीं है तो हक आएंगे नहीं, और हक बिना इश्क न होए, और हक नहीं है तो इश्क नहीं है, तो हम तो फंस गए। तो सोचो, इसको विचारो, इसका क्या अर्थ है। अब दो तीन चौपाइयों का और समय है, बस उतना ही। निस्बत वाहिदत एक है तो क्यों जुदी कहिए, नहीं एक क्यों होए बिना निस्बतें, इत ही हुई वाहिदत, निस्बत वाहिदत एक है तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। सुंदर साहब जी, आज इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि ये चौपाई आत्माओं के लिए है, ब्रह्म सृष्टियों के लिए है, हम सब के लिए है। एक क्यों होए बिना निस्बतें, ये बातें जो हैं, अगर हमारा अंकुर नहीं है तो ये बातें हमारे लिए नहीं है, लेकिन अगर हम धाम की अंगना हैं तो कहते हैं कि एक क्यों होए बिना निस्बतें, अगर निस्बत है तो आपका दिल वाहिदत है। निस्बत वाहिदत एक है, और जहां निस्बत है वहां एक दिल ही है, राज्जी का दिल है। निस्बत वाहिदत एक है तो क्यों जुदी कहिए खिलवत, तो हमारा दिल खिलवत हो जाएगा। और खिलवत होने के मतलब ही है कि जुगल स्वरूप हमारे दिल में होंगे, अर्श हमारे दिल में होगा, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां भी हमारे दिल में होंगे। अब एक चौपाई और, हक भी कहें दिल में, अर्श भी कहया दिल, पर्दा भी कहया दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। सहूर माने जागृत बुद्धि से विचार करना। तो आत्माओं के दिल में हक है, हक भी कहें दिल में,
अर्श भी कया दिल राजी हैं तो रूहों का दिल अर्श हो ही गया। और वैसे भी मैं बता ही चुका हूं, आप सबको पता ही है, हक हादी अर्श मोमिन सो तो पहले हक दिल माहे। तो राजी हकीकत स्वरूप जो परम धाम में है, राजी श्यामा जी वो अनंत परम धाम और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां कहां बसती हैं? राजी के दिल में। और राजी का दिल कहां बसता है? परातम के दिल में। और परातम का दिल कहां बसता है? आत्माओं के दिल में। तो ब्रह्म सृष्टियों अंगनाओं राजी की लाडलियों, ये जान लो कि आपके दिल में जुगल स्वरूप भी विराजमान है, परम धाम भी विराजमान है और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां भी विराजमान है। और अगर ये विराजमान है तो ये खिलवत हो जाता है। हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहया दिल, पर्दा भी कहया दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। पर्दा दो प्रकार का होता है, एक तो ये पर्दा आप देख रहे हो कि बाहर की चीज इधर ना दिखे, और एक पर्दा होता है जो यहां पे आपको प्रोजेक्टर से दिखाया जाता है। तो इसी दिल पर, दिल रूपी पर्दे पे राजी अपना जुगल स्वरूप भी दिखा रहे हैं, परम धाम भी दिखा रहे हैं, हम 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की हर लीला को दिखा रहे हैं। हकीकत तो मार्फत के दोनों सुख हमारे दिल रूपी पर्दे पर दे रहे हैं, लेकिन हमारा हाल क्या है? उसके ऊपर ऐसा पर्दा डाल रखा है कि अब जो उसके पीछे परम धाम का पूरा दृश्य है वो नहीं दिख रहा है। तो अब इल्म से वो हमें देखना है और तभी हमारा दिल अर्श होगा। इसी चौपाई को दोहरा लेते हैं। हक भी कहे दिल में, अर्श भी कया दिल, पर्दा भी कया दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल, आया सहूरे बेवरा निकल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री सर्व सुंदर साथ की जय।